कुल्लू 31 किलोमीटर है और मनाली 72 किलोमीटर है। और ये हम एक पहाड़ी के अंदर से गुजरेंगे, एक रास्ता बनाया हुआ है पहाड़ी का और इसके अंदर से गुजरेंगे। वाह यार, वाह क्या बात है। गति सीमा यहाँ पे सिर्फ 30 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकते हैं। हम एक गुफा के अंदर हैं अब फिलहाल, तो ऊपर से नीचे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच से हम गुजर रहे हैं। वाकई बहुत मस्त एरिया है। अगर मैं प्रॉपर दिखाऊँ आपको तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। आगे एक बेंच आ रही है, इसमें लाइटों का विशेष प्रबंध किया गया है। अगर किसी के गाड़ी का लाइट नहीं है तो भी इसमें दिखाई देता है। बहुत ही बढ़िया, गजब यार गजब। जितने बोले सर आपको ये ऐसा देख के कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत जबरदस्त देखने को। ऐसा हमने सोचा नहीं था ऐसा देखने को मिलेगा। अपने ड्राइवर साहब ने बताया था कि ऐसी ऐसी चीज आप देख पाओगे जो पहले। बहुत कुछ आने वाला है, ये देखो एक नमूना तो ये आ गया। वाह जी वाकई जबरदस्त, मजा आ गया इस टूर के लिए। मैं सबसे ज्यादा जो थैंक्स है वो मैं बोलना चाहूंगा विजय मलेटिया जी को। विजय मलेटिया जी कहीं भी सुन रहे हैं तो बोले यस। सो रहे हैं एक बार, शायद उनकी तबीयत खराब होने के कारण अभी वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, जाग जाएंगे, मैं दोबारा फिर आपके पास आऊँगा। और ये जो एक यहाँ पे ज़्यादा जल्दी वाला ड्राइवर है ये हरियाणा का है। आपको पता है हरियाणा वाले ऐसे करते हैं। सही है। अपने को रास्ते को तो पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मस्त है इतना पता है। एरिया बहुत मस्त है, ऐसा एरिया देख के अगर 10 किलोमीटर गलत भी चले जाए तो वापिस आने का कोई अफसोस नहीं होगा मेरे को, क्योंकि ओ वाह क्या बात है यार गजब। भाई साहब अगर आप लाइट बंद कर लें, आगे वाले को बोलो, आपको नहीं बोला आप बंद मत करना आगे वाले लाइट बंद कर ले तो इसमें थोड़ा साइड पे भी जगह भी बड़ा आइडिया रोक करना था। बिल्कुल देखने के लिए है ये सा एरिया, ऐसा जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा एरिया मैंने पहले कहीं नहीं देखा है, फिल्मों में देखा है, सुरंगों में से गुजरते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज मैं हकीकत में कुछ देख रहा हूँ तो वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों एक ऐसा एरिया जहाँ अपने हिंदुस्तान में लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, हम कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अरे कहाँ जाओगे आप, हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत मस्त एरिया है, एकदम फैंटास्टिक एरिया है। हम जिस पहाड़ी के अंदर से गुजर रहे हैं चारों तरफ पहाड़ है, नीचे हल्की फुल्की सड़क बनाई और हम से उसमें गुजर रहे हैं, ऊपर लाइटों का विशेष प्रबंध है, मैंने आपको जैसे दिखाया ऐसा लग रहा है जैसे हम एक गुफा के अंदर से गुजर रहे हैं। और ये पता नहीं कितनी लंबी गुफा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से आ रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि शेर आ गया, तो हम शेरों से डरने वाले नहीं हैं, हम भी हरियाणा के शेर हैं, घबराते नहीं किसी से। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मस्त एरिया, आप भी यहाँ आइएगा, आप ज्वाइन करिएगा मल्टीलेवल मार्केटिंग। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है www.bamboo.com, उसको आप ओपन करिएगा तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस तरीके की और वीडियो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। हमारा यूट्यूब चैनल है बाम्बू म्यूजिक के नाम से, आप उसको भी लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी। उसमें और ऊपर से पानी आ रहा है, शायद जिस गुफा से हम गुजर रहे हैं उस गुफा के ऊपर से नदी बह रही है ऐसा महसूस हो रहा है। जिस गुफा से हम गुजर रहे हैं उस गुफा के ऊपर से नदी बह रही है, क्योंकि बीच बीच में से पानी जो है वो यहाँ से लीक हो रहा है। तो आपको थोड़ा ड्राइवर साहब जल्दी करके निकलना चाहिए क्योंकि खतरनाक एरिया लग रहा है ये मेरे को देखने में। ड्राइवर साहब बोले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बार आए हैं, उनका विश्वास है। लेकिन वाकई में अगर कोई फर्स्ट टाइम इस गुफा के अंदर से गुजरेगा तो उसको ज़रूर लगेगा कि यार हम कहाँ आ गए, वाकई ऐसा लगता है कि हम पाताल लोक में आ गए हैं। पहले हमने जय हनुमान चलता था टीवी के अंदर, उसमें देखा था कि वो पाताल लोक में चले जाते थे, तो वो पाताल लोक का जो दृश्य था वो वैसा ही अब दृश्य है यहाँ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर है पहाड़ी एरिया है, आगे से अब मैं पहाड़ी आपको दिखाऊँ। तो ये पहाड़ी के अंदर से गुजर रहे हैं, जो ये दृश्य है ये पहाड़ी का दृश्य है, पहाड़ी के अंदर से रोड बना हुआ है और हम इस रोड से बाहर निकलने वाले हैं। एक बहुत ही बढ़िया ये दृश्य आप देखेंगे, हम पहाड़ी से बाहर निकले, जो इतना चमकता प्रकाश है वो पहाड़ी के बाहर का, ये सूर्य की धूप है। देखिए हम पहाड़ी से बाहर निकल चुके हैं, बहुत ये दोबारा वही पहाड़ वही जगह दोबारा ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ हम पहले भी आए थे। एक जैसा एरिया है लेकिन बहुत अच्छा मस्त सुहाना एरिया है। 6 किलोमीटर की है ये गुफा जो थी, ये हमारे को अभी पता लगा कि 6 किलोमीटर लंबी थी, 6 किलोमीटर पहाड़ी के अंदर से बनाई गई गुफा थी ये, 6 किलोमीटर बहुत लंबी गुफा होती है। इस गुफा के अंदर बहुत मज़ा आया देखने में
और ये आगे एक छोटा सा इस हिमाचल प्रदेश का मनाली से पहले का एक छोटा सा शहर है। इस शहर का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। ओह, इस शहर का नाम तो अपने शहर से मिलता जुलता है, अपने रानिया के पास जो ओटू है, और यही वो शहर हिमाचल प्रदेश का ओट नाम से है। और यहाँ पे भी पानी भरमार मात्रा में, ब्यास नदी है और वहाँ घग्गर नदी है। तो दोस्तों आप इसको भी देखिएगा, अगर आपने इतनी दूर नहीं आ सकते और घग्गर नदी का मज़ा लेना है तो आप ओटू हेड को भी देख सकते हैं, वो भी देखने वाला एरिया है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकता मैं इतने मस्त पहाड़ी हो उसमें, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये एरिया जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया एरिया है। और अब ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं स्टॉप करके नई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि 6 मिनट होने वाले हैं इस वीडियो के। क्योंकि ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो किसी के पास भेजते हैं करते हैं उसमें भी दिखताती है। तो ये टायर पंचर की दुकान भी यहाँ पे है, अगर किसी को मतलब टूरिस्ट पे आया किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी यहाँ पे सुविधा है इस इलाके के अंदर। और बहुत मस्त एरिया ये ग्राम पंचायत ओट, जो ओटू के मिलता जुलता नाम और ओटू के मिलता जुलता दृश्य है। ये पहाड़ी का इलाका, और ये ड्राइवर साहब ये कौन सी पहाड़ियाँ मानी जाती है? जैसे आपको तो पता ही होगा यहाँ की, ये जैसे राजस्थान की तरह लाल पहाड़ी नहीं है और काली पहाड़ी भी, ये कच्ची पहाड़ी होगी ना? ये कच्ची पहाड़ी है, जैसे नाम का पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन ये कच्ची पहाड़ियाँ हैं। इसमें अगर जैसे भारी बारिश आती है तो सड़कों पे मलबा भी आ जाता है, मिट्टी है जो सड़कों पे भर जाती है, लेकिन इतनी मतलब मिट्टी नहीं है कि हवा से उड़े, वो काम नहीं है। बहुत सारे पौधे दरखत यहाँ पे घास फूस लगा हुआ है, लेकिन चील और साल के पेड़ पौधे, ये यहाँ पे चील के पेड़ भी है। ओ हाँ बिल्कुल, जो हम जो आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं ये अपने भारत के जो नज़दीकी देश है चीन, उस चीन का बिल्कुल बॉर्डर एरिया भी है। और चाइना का जो माल अपने आता है वो यहीं से सप्लाई होता होगा नज़दीक से ही। और जो हिमाचल प्रदेश का एक साइड चीन के साथ है तो दूसरी साइड जम्मू कश्मीर, दोनों डेंजरस एरिया, पाकिस्तान से भी लगता जुलता एरिया है। और इन्हीं पहाड़ियों का फ़ायदा उठाते होंगे आतंकवादी भी। तो दोस्तों मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। अब तक के लिए मुझे दे दिए इजाज़त, धन्यवाद।